देखिए फैसला हो चुका है, जल्दी से विनर अनाउंस कर दीजिए एंड द विनर इज राहुल। नो 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 कैप्टन विकी, गेम का रूल है कि जब तक टाइम खत्म नहीं होता तब तक मैच खत्म नहीं हो सकता है। अरे डॉक्टर, नो मोर फाइट फॉर मी टुनाइट, बॉडी हो गई टाइट। गुरुजी मुझे नहीं लड़ना, आप ही जीते प्लीज। मुझे भी नहीं जीतना, तुम ही जीतो, जीतो तुम जीतो, चलो कम ऑन हिट मी यू देसी गवार। कैसे यू कॉल मी देसी गवार? या यू टिंगो फैट्सो, यू कॉल मी फैट्सो विद टिंगो, टिंगो फैट्सो विद बिग टमी बैंगन। माय गॉड। सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, और प्लीज प्लीज मना मत कीजिएगा सर। ऑफ कोर्स, टेल मी। सर आप तो जानते हैं सर कि राहुल बहुत ही ईमानदार और काबिले तारीफ एम्प्लॉई है सर। और आज उसने बहुत ही शिद्दत से बॉक्सिंग मैच भी लड़ी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, प्लीज राहुल को प्रमोशन दे दीजिए सर। आगे। देखा विक्की का कितना बड़ा दिल है। दिखा है, दिखा है। वैसे विक्की, राहुल के बारे में मैंने कुछ सोचा है। Can you just come here, please? Really? क्या बात है सर, इससे बढ़िया गिफ्ट हो ही नहीं सकता सर। एब्सोल्युटली। वेयर्स द माइक? थैंक यू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे बॉस ने यह फैसला किया है कि राहुल को तो वो प्रमोशन नहीं देंगे, लेकिन उसके बदले में राहुल को एक ऐसा गिफ्ट दिया जाएगा जिससे वो प्रमोशन हासिल कर सकता है, और वो गिफ्ट है फ्री इंग्लिश स्पीकिंग ट्यूशन बाय जिया। वाओ, ओमा, वो अच्छी वाली लड़की, वाह वाह, वेरी नाइस। अब पुतलेर की अंग्रेजी सिखा। फ्री इंग्लिश स्पीकिंग ट्यूशन, वो भी जिया से? ये गिफ्ट है या सजा? जीनू, आज मैंने एक सबक तो ले लिया, अगर हम छोटी छोटी बातों को अपने बड़प्पन से सुलझा लेना तो आगे चलकर वो बातें बड़ी मुसीबत नहीं बनती। जीनू, मुझे चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी, आई एम सॉरी। दीदू, आप क्यों सॉरी कह रहे हो? सबसे पहले तो मुझे सॉरी बोलना चाहिए। नो जादू कॉन्ट्रैक्ट मैंने तोड़ा तो गलती मेरी हुई ना, राय का पहाड़ भी मैंने बनाया, तो सॉरी भी पहले मुझे बोलना चाहिए ना। आई एम सॉरी दीदू, मैं वापस ऐसा कभी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, आई प्रॉमिस दीदू, कोई बात नहीं, मैं कभी नहीं करूंगी। अरे क्या है, आपस में सॉरी सॉरी कर रहे तुम दोनों, मुझे भी तो कोई सॉरी बोलो। तुम दोनों बहनों के चक्कर में घन चक्कर मैं बन गया, देखो क्या हाल हो गया। सुनो, मैं ये कह रहा था कि सॉरी तो मुझे कहना चाहिए तुम दोनों से। हाँ, वो दरअसल क्या है, ना ही मैं अपने बहादुरी के झूठे किस्से बनाता, ना ही ये बॉक्सिंग मैच की शर्त लगती, और ना ही मेरा ये हाल होता। जूजू, आप बहादुर हो, इंसान हो के आप जिन लैंड की दो दो जीनियों को हंसते हंसते सहन कर रहे हो, तो बहादुर नहीं तो आप और क्या हो? क्यों दीदू, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक कहा जीनू, तेरा जूजू दुनिया का सबसे बेस्ट जूजू है। जूजू, सुना आपने, दीदू भी मान गई इसी बात पे, चलो शादी करते हैं। जिनी, अरे कहाँ हो तुम जिनी? कॉकरोच को देख के डरने वाली लड़की, कहाँ हो तुम? What is this?
इतना बड़ा कॉकरोच। नहीं नहीं जिने 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 जिंदी, ये क्या है इतना बड़ा? इसको हटाओ प्लीज हटाओ। जानी, जिनके घर शीशे के होते वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इसको हटाओ प्लीज, मुझे चाहिए यार, हटाओ इसको। क्या हुआ जूजू, इस कॉकरोच को देखकर आपकी सिटी पिटी गुम हो गई और आप मुझे डरपोक बोल रहे थे? हाँ नहीं एक्सक्यूज मी, मैं इससे डरता नहीं, लेकिन हाँ इसे देख के मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। कैसा है ये, हटाओ इसको, हटाओ। जी नहीं ओके जूजू। तुमने से भगा दिया, वरना सच कह रहा हूँ मुझे हार्ट अटैक हो जाता। जूजू आपको हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? हार्ट अटैक होने के लिए दिल की जरूरत होती है। अच्छा, मेरे दिल की जगह डीवीडी प्लेयर फिट है क्या? जूजू आप कितने भोले हो, आप क्यों भूल जाते हो कि आपका दिल हमारे पास है? और भले ये कॉकरोच देखे आप थोड़ा बहुत डर गए, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूंगी कि मेरे जूजू बहुत बहादुर है। इसके लिए थैंक यू, लेकिन अगर तुम्हारा हो गया तो चले। कहाँ? किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए। बाप रे, पता नहीं ये टीवी का भूत इसके सर से कब उतरेगा। जूजू चलो ना, आज ऑफिस नहीं जाते। अच्छा, तो घर पे बैठ के क्या भजन गाएंगे? नहीं जूजू, हम दोनों ना ऐसे एक दूसरे का हाथ थामेंगे, उसके बाद हम एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के टुकुर 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 देखते रहेंगे। हो गया, चलो चलो लेट्स गो स्टार्ट। आप कितने अनरोमांटिक हो यार। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, चले। ऑफिस आ गए, काम शुरू करते हैं। ऑफिस आ गए तो क्या हो गया? यहाँ भी हम एक दूसरे की आंखों में टुकुर 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 देख सकते हैं। ये ऑफिस है, घर नहीं। जूजू, मेरे लिए जहाँ आप हो वही मेरा घर, मेरा संसार, मेरा सब कुछ, मेरा मंदिर, मेरे देवता। हे भगवान, इसका कुछ नहीं हो सकता। राहुल का भी कुछ नहीं हो सकता। क्यों, क्या हुआ दीदू? पूछ मत जीनू, राहुल के पास मेरे लिए एक मिनट नहीं है। आधा टाइम उसका बॉडी बनाने में जाता है और बाकी का आधा टाइम बजरंगबली का नाम जपने में। बाय द वे, ये बजरंगबली हैं कौन? हेलो, बजरंगबली जी हमारे भगवान हैं। बिल्कुल वैसे ही ना जैसे आप मेरे भगवान हो। अरे नहीं पापा, वो सचमुच के हमारे भगवान हैं। तो आप भी सचमुच में मेरे भगवान हो? अरे बाबा, बजरंगबली जी वो है जिनकी हम पूजा करते हैं। अरे जूजू, मैं भी तो पूजा करती हूँ आपकी। देखो, पूजा करूं मैं तेरी। सच में आज घर जाके मैं टीवी फोड़ दूंगा। अच्छे खासे गाने की तुम बैंड बजा देती हो। अच्छा जूजू, आपने बताया नहीं बजरंगबली जी कौन है? अरे बजरंगबली जी हमारे श्री रामचंद्र जी के परम भक्त थे। जूजू मैं भी तो आपकी भक्त हूँ। तुम काहे की भक्त हो, जब देखो मुझे परेशान करती रहती हो, पागल बना दिया तुमने मुझे। अरे बजरंग बली जी श्री राम जी को परेशान नहीं करते थे, हमेशा उनकी सहायता करते थे। हाँ लगता है तुम दोनों को श्री राम जी की कहानी सुनानी पड़ेगी। हाँ, सुना सुना। ये कहानी है बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत की, ये कहानी है रावण के ऊपर श्री राम जी के जीत की। रावण मतलब शाहरुख खान? You are my chamak. Hello, वो नहीं बाबा, जिधर देखो तो शुरू हो जाती हो। रावण नहीं, राक्षसों के राजा रावण। राक्षस? हाँ, अरे जैसे तुम्हारे जिनीलैंड में वो जिंजोरा है ना, बुरा बुरा मैं हूँ बुरा, वैसे किसी जमाने में रावण हुआ करता था। जूजू आप जानते हो हमारे जिनलैंड में भी ऐसे बहुत सारे रावण हैं, और उन सबको जिनलैंड से बहुत दूर एक जेल में बंद कर दिया जाता है, और वो लोग वहाँ से कभी नहीं भाग सकते।
वो जेल जिनलैंड से दूर एक टापू पे है जो चारों तरफ से घने जंगल से ढका हुआ है और जिसके दूर दूर तक पानी ही पानी है, जहाँ कैद है हमारे जिनलैंड के सभी दुष्ट लोग। तुम्हें सिर्फ 7 दिनों के लिए इस जेल से रिहा किया जा रहा है, मगर तुम्हें ये सख्त हिदायत दी जाती है कि जिनलैंड से एक भी शिकायत हमें मिली तो उसी वक्त तुम्हें यहां वापस बुला लिया जाएगा और ये मास्क हमेशा के लिए फिर से पहना दिया जाएगा। अगर तुम हमेशा के लिए आजाद होना चाहती हो तो तुम अपनी बुराइयों को हमेशा के लिए छोड़ दो और उस जादुई आईने को तोड़ दो। ये मुंह फेरने से कोई फायदा नहीं, अपने आप को सुधारो नहीं तो ये जेल का मास्क जिंदगी भर तुम्हें पहनना पड़ेगा और जादू से हाथ धो बैठोगी वो अलग। 7 दिनों का तुम्हें समय मिल रहा है, इन 7 दिनों में जितना अच्छा काम कर सकती हो कर लो। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। वाओ जूजू, राम और सीता की जोड़ी तो जोड़ी नंबर 1 है, बिल्कुल हमारी जोड़ी की तरह। सुनो, मैंने जो तुम्हें श्री राम जी की कथा सुनाई ना, बस उसे समझने की कोशिश करो, बीच में अपनी कहानी मत घुसाओ। कैसे नहीं घुसू जूजू, आप ही मेरे राम हो, मेरे श्याम हो, मेरे करण हो, मेरे अर्जुन हो। फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा एहसास हुआ कि आप लोग मुझे मिस कर रहे हैं। Am I right? हेलो जी। हाय। अरे बेला, अच्छा हो गया तू आ गया। तुझे याद है कॉलेज में हम लोग रामलीला किया करते थे? ऑफ कोर्स याद है यार, क्या दिन थे वो। तू भगवान राम बनता था और मैं भगवान राम का छोटा भाई लक्ष्मण, लेकिन तालियां मैं ज्यादा लेके जाता था, याद है भाई? जब मैं ऐसे अपना धनुष उठाता था ना तो पब्लिक पागल हो जाती थी, पागल। ऑफ कोर्स, तुम्हें देखकर तो कोई भी पागल हो जाए। अब मैं क्या करूं, मेरी तो शक्ल ही कुछ ऐसी है। क्या है ना कि बचपन से मैं इतना हैंडसम और स्मार्ट हूं कि तब पब्लिक पागल हो जाती थी, अब सुना है आजकल
हसीनाएं पागल हो जाती हैं। वेलू, अपनी झूठी तारीफें करना बंद करो और मेरे जूजू की सुनो। हाँ, ऑफ कोर्स। तो मैं क्या कह रहा था कि जूजू को बोलने दो। ये बात पूरी सुन लो, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, जब मैं ऐसे यूं यूं अपना धनुष उठाता था ना, तो पब्लिक चिल्लाती थी कि भगाओ इसे, कौन है ये, भगाओ भगाओ भगाओ, मारो मारो मारो। नो 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 गर्ल्स, एक्चुअली यू आर रॉन्ग। अरे भाई, होता यूं था कि चारों तरफ पब्लिक का शोर, वंस मोर वंस मोर। अरे वाह वेला, क्या बात है, एक ही केला महीने भर खाते रहना तुम। चारों तरफ पब्लिक का शोर, वंस मोर वंस मोर वंस मोर। सोचो अगर इस वक्त वेलू स्टेज पे होता तो मैं बताती हूँ जीनू, स्टेज पर सड़े हुए टमाटर और अंडे होते अंडे। उड़ा लो उड़ा लो, मजाक उड़ाना ना, उड़ा लो। यू नो व्हाई? बिकॉज तुम लोगों ने मुझे अब तक स्टेज पे देखा नहीं है, तुम लोग मेरा टैलेंट समझ ही नहीं पाए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इस बात पे मुझे एक आइडिया है। वाओ जूजू, क्या आइडिया है, क्या आइडिया है मेरे जूजू का। मैंने तो आइडिया बताया भी नहीं जूजू, पर मुझे बताए ना, आपके दिमाग को मैं जानती हूँ, मेरे जूजू का आइडिया एकदम झकास होगा। जीनू चुप कर। विकी, तुम्हारा आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि क्यों ना इस साल हम प्रिया एयरलाइंस के एनुअल फंक्शन में रामलीला करें, वो भी स्टेज पर। मैंने कहा था ना कि मेरे जूजू का आइडिया एकदम झकास होगा। चलो इसी बात की झपकी हो जाए। जीनी से ठीक 7 दिनों के बाद फिर कला बंद, तुम्हें खुद ब खुद इस कैद खाना में लेकर आ जाएगा। लेकिन तब तक तुम अपने उस जादुई आईने और अपनी बुराइयों से दूर रहना। अरे क्या संभाल के, संभाल के हेल्प कर ना भाई। हाँ हाँ, ये ले, कर दिया, संभाल, उतार आराम से। एक्सक्यूज मी वेला, ये क्या है? केला है सर। ओ कम ऑन वेला, वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन अब ये क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया? ड्रामा नहीं, रामलीला। व्हाट, रामलीला? जी सर, दरअसल क्या है, हम ये सोच रहे थे सर कि क्यों ना इस बार ऑफिस में हम रामलीला करें। कितना महान सुंदर विचार है, और रामलीला में हम तो एक्सपर्ट है मायरे। अरे कितना रामलीला खेले थे मैं। चौधरी बाबू, अगे आप रामलीला में क्या बने थे? रावण। अरे लड़की रावण क्या, हम तो राम सीता शर्पनखा लक्ष्मण सब बने थे। चाहे दैट आई एम ए वेरी वर्सेटाइल एक्टर। वर्सेटाइल? हाँ, वही तो बोला, वर्सेटाइल। तो हम की बोलचे कि रामलीला का तुम लोग तैयारी करो, किंतु डायरेक्ट हम करेंगे और देखना कितना सुपर हिट हो जाएंगे रामलीला, और हम तो आपसे पेमेंट भी नहीं लेंगे। देगा भी कौन? कुछ नहीं, वी आर सो हैप्पी टू हैव यू सर। गोलगप्पू मौसू, मी इज नॉट एट ऑल अंडरस्टैंडिंग कि डायरेक्शन हाउ कम यू इज कमिंग। बेटे तुम तो जानते ही नहीं है, और कोलकाता में हम नंबर 1 थिएटर डायरेक्टर छिला, क्या क्या बड़ा बड़ा नाटक डायरेक्ट किया हमने, रामायण ही नहीं महाभारत, देवदास, कितना सा, और अब हम यहाँ डायरेक्शन देंगे, तो चलो कास्टिंग शुरू करते हैं। एक्सक्यूज मी मिस्टर चतुर, मैंने अभी तक आपको रामलीला परफॉर्म करने की परमिशन दी नहीं है।
ना, सब काम में देरी क्यों करते हैं? आपको याद है ना, जब आपको ऑफिस में प्रॉब्लम हुए थे, हम आपके हेल्प किए थे, अब आप हमारी हेल्प कीजिए ना। ओके ठीक है मिस्टर चतुर, मैं आपको रामलीला करने की परमिशन देता हूँ। हाँ लेकिन एक बात है, रामलीला की जो भी रिहर्सल्स होगी वो हमारे नए विंग में होगी, ताकि इस ऑफिस में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ओके सो एवरीबॉडी, रामलीला ऑन। यस। ये बहुत मजा आएगा। और पता है, हम रामलीला के लिए ना एक छोटा सा महल का सेट भी बनाएंगे, बड़ा मजा आएगा। क्या जिया या, यू आर राइट, ताज महल का सेट है ना। वेला, अरे राम जी महल में ही तो रहते थे। महल में, राजमहल में, ताज महल में नहीं। या या। आड़ एक घना जंगल का सेट भी लगाएंगे, जहाँ बोनबाश में राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी रहे थे। एक बड़ा गहरा जंगल। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.